मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा आकाश आनंद जी को भी, मान्य बहन जी को भी, चंद्रशेखर आजाद जी को भी, के खासकर दो बड़े नेता शेखर भाई और मान्य बहन जी, आज जो वर्तमान समय की परिस्थिति जो है ना भाई, इन दोनों की पॉलिटिक्स इन दोनों के बिना कामयाब नहीं होगी, जैसा जमीन पे मैंने माहौल देखा है। आज हम लोग भूल चुके हैं कि हमारी लड़ाई भाजपा कांग्रेस और मनुवादी व्यवस्था से है, सामंती व्यवस्था से है, हम लोग उसको भूल चुके हैं। आज हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, बागवती एक हूँ, चंद्रशेखर एक हूँ, तो ये कुछ सामने आया दिल की बात क्या, सिर्फ सबका यही कहना था कि आज हमारे बीच बड़ी दुविधा है, वोट का अधिकार एक है और दोनों नेताओं ने समाज के लिए काम किया है, किसी एक के संघर्ष को डिनाई नहीं कर सकते हैं। मान्य बहन जी ने 40 साल से ज्यादा सड़क पर साइकिल यात्रा भी की है, चप्पलें घिसी हैं, तब वो आज उस मुकाम तक पहुंची हैं। चंद्रशेखर आजाद ने भी यार 17 महीने जेल काटी है, समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए भोपाल जाम कर दिया, दिल्ली जाम कर दिया, मतलब देश का कोई सा भी ऐसा सूबा हो, उन्होंने हर जगह अपनी ताकत दिखाई, नौजवानों के अंदर क्रांति पैदा कर दी। तो लोगों का ये कहना है कि बड़ी दुविधा है, आज हम किसको वोट डालें, कि हमें वोट डालने का अधिकार भी रहेगा नहीं रहेगा, 2024 के बाद नहीं पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा यहाँ स्थापित रह पाएगा नहीं रह पाएगा। वो सारी चीजों को बचाने के लिए, महापुरुषों के आंदोलन और कारवा को बचाने के लिए, हम लोग घर की लड़ाई को खत्म करके, हम लोग कम से कम आज मैं ये कह रहा हूं कि नहीं हम इस स्थिति में, मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूं, मैं मध्य प्रदेश से यहां तक आ गया, हम लोग एक सांसद बनाने की स्थिति में नहीं है। आज समाज इतना बटा हुआ है कि हम लोग एक सांसद बनाने की स्थिति में नहीं, वोट ही डालने में डिसाइड नहीं हो पा रहा। अब आप मुझे बताइए कि क्या हम लोग इस तरह यार कामयाब हो जाएंगे? मैं सच बता रहा हूँ, बहुत तकलीफ है, बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है, बस आंसू नहीं निकल रहे हैं। कुमार, आप देख रहे हो बी मिशन टीवी, एक अभिषेक जाटव जी हमारे साथ हैं और बहुजन शायर लगातार एक बहुजन जागो मार्च लेकर मैदान में डटे हुए हैं, और मैंने देखा कि आज आगरा में आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर अभी एक वीडियो देखा 11 बजे, तो मैंने सोचा कहीं वीआईपी होटल वगैरह में ये रुके होंगे, तो ये हमारे साथी का ही घर है ये तो। नहीं, मेरे घर जो है जहाँ समाज के घर हैं वो किसी लग्जरी हाउस से कम थोड़े ही हैं। जब मान्यवर ने साइकिल यात्रा की थी तो समाज के बीच जाके रुकते थे, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं ना अपने आप की तुलना मान्यवर से कर रहा हूँ, लेकिन समाज के बीच अगर पहुंचेंगे नहीं तो कैसा जागो मार्च, समाज के बीच रुक के समाज से बातें करके, जैसा समाज खिला रहा है वैसा खा रहा हूँ, जहाँ समाज रुकवा रहा है वहाँ रुक रहा हूँ, होटल के लिए ना मेरे पास पैसे हैं ना शायद स्थापित लोग मेरे साथ हैं। मोबाइल पे अगर आपको मैं देखूंगा तो अब एक बड़ी पार्टी के नेता से कम नहीं लगते हैं ये तो। तमाम लोग कहते हैं अभिषेक के पीछे तमाम गाड़ियों का काफिला है, कहाँ से पैसा आ रहा है? पैसा, हाँ देखिए, अगर पैसे की बात है, अभिषेक चाहे सोशल मीडिया पे जाके मांग सकता है, समाज देगा भी, क्योंकि बहुत सारा यूथ है जो अभिषेक को फॉलो करता है, और वो अभिषेक को नहीं, क्योंकि मैं अम्बेडकर मूवमेंट पे शायरी करता हूँ तो डॉक्टर अम्बेडकर को फॉलो करने वाले लोग मुझे फॉलो करते हैं, वो मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो बाबा से अम्बेडकर की शायरी जो मैं बोल रहा हूँ उसकी वजह से लोग मेरे साथ जुड़े हैं। और समाज के बीच जब पहुंच रहा हूँ तो जब मुझे लगता है कि अब मेरे पास पैसा खत्म हो गया तो समाज से मांग रहा हूँ, 10, 20, 50, 100, 200, 150 करके समाज मुझे पैसा दे रहा है और मैं मांग रहा हूँ। 100-150 की बात कर रहे हो, अभी मैंने आपकी एक वीडियो में देखा 500-500 लोटों नोट थे जो गड्डी बनी हुई। मेरा जो संकल्प है ना सर, जो मैंने लिया है, बहुजन जागो मार्च, बहुजन नेताओं साथ में आओ, तमाम लोगों ने कहा लेकिन जमीन पे उतर के शायद इसके लिए प्रयास किसी ने नहीं किया। आज अगर हम प्रयास कर रहे हैं और हम चल रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं पैसों की आवश्यकता तो होती है, और 500-500 के नोट अगर दिख रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? वो समाज दे रहा है मुझे, मुझे मिल रहा है, और मैं आगे उस मार्च को लेके जा रहा हूँ। आगे के बहुत सारी जगह गाड़ी में पेट्रोल डलता है जिसके अंदर हमारा सामान रखा है, एक बार में डीजल जब फुल होता है तो 4,042 रुपये का वो तेल उसमें डलता है गाड़ी के अंदर, और गाड़ी जो है वो चलती रहती है, कभी कहीं कभी कहीं, कभी कैसे जाना कभी कैसे आना, वो तो समाज दे रहा है भाई। समाज आपको दे रहा है, आप समाज को क्या दोगे बदले में? मतलब आप, मेरी क्या बिसात की मैं समाज को दूं कुछ? कुछ भी, आपने एक स्थिति आपने देखी मध्य प्रदेश से आगरा आ गए, आए दलितों की राजधानी कही जाने वाले शहर में, मतलब स्थिति तो बहुत दयनीय है, मैंने तमाम तस्वीरों में देखा, तो उस स्थिति के बारे में बात कर रहा हूं। मैं ये समझता हूं कि आज ये स्थिति इसलिए बनी हुई है कि हमारे नेता एक नहीं है यार। अगर आज हम उठा के देखते हैं उत्तर प्रदेश को, तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी लीडर है मान्य बहन जी, उत्तर प्रदेश के अंदर ही सबसे बड़े लीडर जो आज देश के अंदर फेमस हैं, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, जिन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान को भरने का काम किया, उदित राज हैं, मैं मध्य प्रदेश से निकल के आया, वहाँ एक व्हाइट टाइगर के नाम से जाने जाने वाले फूल सिंह बरैया हैं, समाज के अंदर इतने सारे नेता, आप महाराज जाइए प्रकाश अम्बेडकर हैं, रामदास अठावले हैं, आप जाइए वहाँ बिहार चिराग पासवान है, दशरथ वो मांझी जी हैं, मतलब कितने समाज के ऐसे नेता बचे हुए हैं, आप जाइए ना इधर साउथ की तरफ, एम के स्टालिन है, बहुत सारे नेता हैं,
अगर ये एक एक प्रदेश भी ले लेंगे तो मुझे लगता है कि प्रदेश में जगह खाली रह जाएंगे, मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे इतने प्रदेशों के, इतने नेता हैं हमारे पास। लेकिन उसके बाद भी हम लोग बटे हुए हैं, बिखरे हुए लोग शासक नहीं बन सकते हैं। सिर्फ इसी बात को समझाने के लिए जमीन पे हूँ। जमीन पे आप आए हैं, आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मतलब एक अलग ही ग्लैमर, एक ही अलग ही रुतबा जो आपका दिखता था, तो उसके पीछे क्या कारण है? देखिए शुरुआत से, अभी तो एक वीडियो भी चला, घर देखा लोगों ने हमारा कि कैसा है, किस घर के अंदर हम रहते हैं, टपक रहा था वो छत से पानी। तो मेन ये है कि हालांकि कभी ऐसा किया नहीं कि दिखाया, मेरे को तो ये था कि जिस तरह का ग्लैमर बना हुआ है ना उसको बने रहने दो, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। और दिखते बिकने का कारण ये है कि आज हम लोग जब समाज पे शोषण होता है हम लोग वहां पहुंचते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हमको आवश्यकता नहीं है अपने आप को किसी को कमजोर दिखाने की। हम ठीक है, सशक्त है, समाज साथ दे रहा है, इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बात नहीं है कि कमजोर हैं, दबे हैं, कुचले हैं, दलित हैं, वो सिस्टम का सुनिए। हम लोग ना कल किसी से कम थे, हम लोग ना आज किसी से कम है। परिस्थितियां किसी वजह से किसी उससे कमजोर हो सकती हैं, लेकिन समाज हमारे साथ है तो हम कमजोर कैसे भी नहीं है। ये जो मतलब तमाम ये खबरें चलाई जाती हैं कि दलित अभी भी दबा हुआ है, कुचला हुआ है, तो मतलब ये क्या स्थिति है? देखो आज अगर हम लोग अपनी उसकी बात करें कि जनबल किसका सबसे ज्यादा है, तो इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो समाज है वो 85-87% इस देश में अपना बहुमत रखता है। लेकिन उसके बावजूद हम लोग आज तक आजादी के 75 साल बाद तक भी अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? जबकि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि 21वीं सदी बहुजनों की है। 21वीं सदी बहुजनों की मुझे बताओ यार कैसे हो जाएगी? क्या 21वीं सदी बहुजनों की आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी और तुम्हारा इधर उदित क्या नाम है, बहुत सारे जितने भी नेता हैं, जब हम लोगों का मूवमेंट एक है, हम लोगों का संघर्ष एक है, दो बड़े नेता जो बहुत बड़ा क्राइसिस आज समाज के अंदर चल रहा है, असपा बसपा, आज दोनों के कार्यकर्ता एक दूसरे से लड़ने पे मंदमस्त हैं, भूल चुके हैं कि हमारी लड़ाई किससे है। और मैं आज यहाँ कहूंगा आपके ही चैनल के माध्यम से, बहुत सारे लोगों को ये बात लग रही है कि आप बोल नहीं रहे हैं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा था कि एक कड़वाहट पैदा ना हो, लेकिन जो सच है उसको बोलना पड़ेगा। राजस्थान के अंदर और भोपाल के अंदर बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद। मुझे बोलना इसलिए पड़ रहा है, मैं चाह नहीं रहा था बोलना, लेकिन बोलना इसलिए पड़ रहा है कि बहुत सारे लोगों का ये भी जरूरी भी है, बहुत सारे लोगों के जब सवाल आते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे जवाब देना चाहिए जब मैं जमीन पे उतरा हूं। देखो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ये सलाह है आकाश आनंद जी को, हालांकि वो एक बहुत बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, मेरी सलाह को एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे इस बात की मैं कोई मंजूरी नहीं दे रहा हूं, लेकिन मेरी ये सलाह है क्योंकि मैंने फूले पेरियार ललई अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब की मूवमेंट को गहराई से पढ़ा है, और पढ़ने के बाद मैं जमीन पे हूं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको मान्यवर कांशीराम साहब और मान्य बहन जी ने जो खून पसीने की मेहनत से सींची पार्टी बहुजन समाज पार्टी, आप उसके राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, तो आपको तो बहुजनों के सबसे बड़े दल का फायदा उठाते हुए समाज को एक करने की बात करनी चाहिए थी, किसी को छोटा बड़ा कह देना। अगर कोई सड़क छाप इस तरह की बातें करता ना तो समझ आता था, लेकिन आप एक वेल एजुकेटेड पर्सन है, आप बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, और आपके ऊपर हाथ किसका है? मैं कह रहा हूं आपके ऊपर हाथ किसका है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूं समाज के प्रत्येक व्यक्ति को विदेश अगर जागने का मौका मिल रहा है, पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो जाना चाहिए। फिर भी आप उनकी भाषा शैली से संतुष्ट? मैं भाषा शैली से इसलिए संतुष्ट नहीं हूं कि चाहे ऐसा बयान कोई बसपा के खिलाफ भी देता तब भी मेरी यही सलाह होती कि समाज को तोड़ने वाली बात हम बिल्कुल ना करें। सवाल पूछा गया था, आप कहते हैं कि समाज के अंदर बहुत सारे संगठन दल हैं जो अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। दो बात कह के बातें खत्म करनी थी। उन्होंने इस विवाद को धौलपुर में थोड़ा कम करने की कोशिश किया, फिर उन्होंने उछाल दे दी जयपुर में जाके, कह दिया कि केसीआर की गोद में जाके बैठ के चंद्रशेखर दो सीटों के लिए गड़गड़ा रहा है, ये सब। देखिए आरोप प्रत्यारोप ये सारी चीजें करना बहुत आसान है, संघर्ष बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि अब मैंने जब जमीन के उतर के देखा है ना, तो हमने ये महसूस किया कि संघर्ष कितना कठिन है। अपने ही लोगों का सामना करना पड़ता है, ये सच है कि अपने ही लोगों का आपको बुरा बन जाना पड़ता है, इतना संघर्ष आपको जमीन पर उतर के करना पड़ता है। अभी मैं जान पा रहा हूं, उन्होंने कहा कि इस तरीके से नए नए आ गए हैं चमचे, मुझे लगता कहीं वो आपको भी ना जोड़ रहे हैं उसमें, आप भी नए चमचे ही हो क्या? देखो ये तो वक्त तय करेगा कि कौन चमचा है कौन क्या है, मैं अभी फिलहाल किसी पे कोई वाद विवाद नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा आकाश आनंद जी को भी, मान्य बहन जी को भी, चंद्रशेखर आजाद जी को भी, के खासकर दो बड़े नेता
शेखर भाई और मन्ने बहन जी, आज जो वर्तमान समय की परिस्थिति जो है ना भाई, इन दोनों की पॉलिटिक्स इन दोनों के बिना कामयाब नहीं होगी, जैसा जमीन पे मैंने माहौल देखा है। आज हम लोग भूल चुके हैं कि हमारी लड़ाई भाजपा कांग्रेस और मनुवादी व्यवस्था से है, सामंती व्यवस्था से है, हम लोग उसको भूल चुके हैं। आज हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, बाबा सिंह अम्बेडकर और माननीय कांशीराम साहब की बात करने वाले लोग जो जय भीम के उद्घोषण के साथ अपने आंदोलन की शुरुआत करते हैं, आज वही लोग आपस में लड़ रहे हैं। क्या ये तकलीफ और दुख की बात नहीं है यार? क्या ऐसे हम लोग कामयाब हो जाएंगे? मणिपुर के अंदर जो दंगा चल रहा है ना, वो ट्रायल है, आरक्षण और आरक्षण विरोधियों के बीच लड़ाई हम लोग कैसे करवा सकते हैं? और 2024 के अंदर अगर हम लोग कुछ बड़ा नहीं कर पाए ना, तो वो पिक्चर पूरे देश में रिलीज होगी, और जब एहसास होगा कि अभिषेक जो मार्च लेके चल रहा था, बहुजन जागो मार्च, अभी शायद लोग इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे। अभी तो लोग सिर्फ इस बात में मस्त हैं कि मैं किसका दलाल हूं और मुझे किसके द्वारा भेजा गया है, लेकिन जब आने वाले कल में लोगों को ये पता लगेगा कि अभिषेक के द्वारा निकाला गया आंदोलन बिल्कुल सच्चा था, ना वो स्क्रिप्टेड था, ना वो किसी नेता के द्वारा चलवाया जा रहा था, 2024 के बाद जब सब लोग पिटेंगे छितेंगे, जब अभी तो संविधान का पन्ना रोज फाड़ा जा रहा है, और 2024 के बाद वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आरएसएस को 100 साल हो जाएंगे ना, और उनका तो 100 साल के बाद संकल्प है ना कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना। जब मोदी जी के आर्थिक सलाहकार इस बात को कह रहे हैं, तो आप और किस बात की अपेक्षा रख रहे हैं, किस बात की उम्मीद रख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बचा हुआ है क्या? और वो संविधान जिससे हमें सारे अधिकार मिले, जब वही खत्म हो जाएगा, उसमें लोकतंत्र जिससे आज हमारे नेता स्थापित हैं, जब वो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा, तो मुझे बताओ क्या नेता फिर रह पाएंगे कुछ? समाज भी पिटेगा, नेताओं के साथ भी वही स्थिति होगी जो समाज के साथ होगी। एक सवाल मैं जानना चाह रहा हूं, अब तक कितना किलोमीटर चल लिया? महू से मैं आपको पूरा एरिया बता देता हूं कि हम लोग महू से निकले, इंदौर आए, देवास आए, सीहोर आए, सीहोर के बाद सोनकच्छ, फिर भोपाल, फिर विदिशा, फिर खुरई, फिर ललितपुर, फिर झांसी, फिर डबरा, फिर दतिया, फिर ग्वालियर, फिर मुरैना में पिपरई, फिर उसके बाद हम लोग धौलपुर पहुंचे। धौलपुर में पहुंचने के बाद वहां से मार्च करते हुए हम लोग आगरा की ओर पहुंचे। अब तक आपने मेरे हिसाब से 751 किलोमीटर दूरी तय कर ली होगी। ये जो दूरी है ये सिर्फ ऐसी है, लेकिन हम लोग घूमते हुए आए, मुझे ऐसा लगता है कि 1000 किलोमीटर से ज्यादा का हमने गाँव। मैं वहां तक गया हूँ कि मुझे जहाँ काशीराम साहब गए साइकिल यात्रा लेके, और उनके साथ मात्र 15-16 लोग हुआ करते थे जिस दौर में काशीराम साहब ने साइकिल यात्रा की शुरुआत की थी, मैं इंदौर के उन जगहों से निकला जहां काशीराम साहब गए थे और उनके साथ मात्र 15 लोग थे, तो मुझे तो ये चीजें हौसला देती हैं कि हमारे साहब, हमारे रहबर, जिन्होंने सामाजिक इतना बड़ा परिवर्तन किया, जब वो लोग 15 लोगों के साथ शुरुआत कर सकते, तो अभिषेक के साथ तो फिर भी बहुत सारे लोग हैं। सवाल आपने सबसे बात की, अभी भाई का इनका दिखा सकता हूँ फिर? तो अभी ये इनका घर है, ये जो भाई बैठे हो, क्या नाम हुआ आपको? ये मेरा नाम विक्रम। अच्छा, अभी ये विक्रम जी का घर है, ऐसे ही और घर मिले होंगे आपको। हाँ। ठीक है, तो उन्होंने अपनी बात, दिल की बात नहीं बताई कि मायावती एक हूँ, चंद्रशेखर एक हूँ, तो ये कुछ सामने आया दिल की बात? क्या सिर्फ सबका यही कहना था कि आज हमारे बीच बड़ी दुविधा है, वोट का अधिकार एक है और दोनों नेताओं ने समाज के लिए काम किया है, किसी एक के संघर्ष को डिनाई नहीं कर सकते हैं। मान्य बहन जी ने 40 साल से सड़क पर साइकिल यात्रा भी की है, चप्पलें घिसी हैं, तब वो आज उस मुकाम तक पहुंची हैं। चंद्रशेखर आजाद ने भी यार 17 महीने जेल काटी है, समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए भोपाल जाम कर दिया, दिल्ली जाम कर दिया, मतलब देश का कोई सा भी ऐसा सूबा हो, उन्होंने हर जगह अपनी ताकत दिखाई, नौजवानों के अंदर क्रांति पैदा कर दी। तो लोगों का ये कहना है कि बड़ी दुविधा है, आज हम किसको वोट डालें? कंफ्यूज है, बिल्कुल कंफ्यूज है। आप जमीन पर उतर के देखना, मैं तो ये कहता हूं कि लोग आए नहीं मेरे साथ, जिस बहुजन मीडिया को आना चाहिए था इस बात को लेके भी थोड़ा सा हताहत हूं कि लोगों को जमीन पे आना चाहिए था, लेकिन शायद हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं, तो अभी लोगों का विश्वास जो है वो हम पे बहुत जल्दी नहीं बनेगा, लेकिन जो हमारा मार्च है, आपको विश्वास है कि लोगों का विश्वास आप जीत पाओगे? यार जो आंदोलन सच्चा है, पवित्र है, जिसके मन में कोई छल नहीं है, वो व्यक्ति क्यों लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा, क्यों वो अपना विश्वास नहीं जीत पाएगा? मैं तो इस बात तुम्हारे इस चैनल के माध्यम से कर दूं, वो लोग देखते हैं, मैं तो ये भी कह दूं कि मेरा मार्च कोई संगठन बनाने नहीं निकला है, ये मुखालता और ये सारी चीजें जिसके भी दिमाग में आ रही है वो निकाल देना कि अभिषेक कोई संगठन बनाएगा या अभिषेक कोई पार्टी बनाएगा। भैया मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं संगठन और पार्टी बना लूं, 22 साल का नाम किसी ने नहीं, मान लो किसी ने आपके इस आंदोलन को, मतलब किसी भी नेता ने बाहु नहीं दिया, और ना ही आप भीम आर्मी से भी थोड़ी अनबन हो गई, तो आप इतनी बड़ी पॉपुलरिटी रखते हो सोशल मीडिया पर, तो कुछ बनाओगे नहीं आप कभी भी? नहीं, भविष्य का नहीं कह सकते, लेकिन सच आपको ये बता रहे हैं कि मैं बिल्कुल, मेरे दिमाग में
मतलब -0.1% भी ये ख्याल नहीं आया कि मैं यार कोई संगठन बनाऊं, संगठन या मैं कोई, भाई यार मैं क्यों संगठन बनाऊं ना, वही हो जाएगा कि खुद समाज के अंदर मुझे लगता है 135,000 से ज्यादा संगठन बने हुए हैं यार जो रजिस्टर्ड है, हैं, और को बहुत सारी रजिस्टर्ड पार्टी बनी हुई है। मैं रह गया क्या, मैं समाज को तोड़ने नहीं आया भाई, आप नहीं तोड़ो, समाज को जोड़ने आया हूँ। इस मार्च को खत्म करने के बाद फिर मेरा वही जीवन होगा जिस तरीके से व्यतीत कर रहा था, लोगों तक तो प्रयास कर रहा था कि शायद समाजवादी पार्टी का भी कुछ सपोर्ट मिल रहा है। मैंने ये भी सुनने में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी पैसा दे रही है, चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ आपको खड़ा कर रही है। मुझे मेरे भाई के खिलाफ कोई खड़ा कर सकता है? देखो सच तो ये है कि ना किसी की औकात, ना किसी की बिसात, मैं डॉक्टर अम्बेडकर और माननीय कांशीराम साहब की मूवमेंट को पढ़ के यहाँ आया हूँ। मुझे मेरे ही भाइयों के खिलाफ, मेरे ही समाज के खिलाफ, और जिस नेता को देख के अभिषेक एक बड़े रूप में तैयार हुआ है ना, वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ही है। क्योंकि हमारे जैसे नौजवान को, हमारे जैसे नौजवान को बिल्कुल मानते हैं, समाज के अंदर बहुत सारी युवाओं को तैयार करने में उनका अहम रोल है। लेकिन जब हमें ये लगता है कि आज स्थिति देखो, अगर समाज के हित के लिए कहीं जाके कुछ बात ऐसी कह देना जो लोगों को भड़काऊ लगती है, तो मैं तो कहता हूँ समाज के हर एक व्यक्ति को ऐसा ही बन जाना चाहिए। लोग ये भी कहते हैं कि वो भाजपा का एजेंट है, लोग ये भी कहते हैं वो भाजपा का दलाल है, लोग ये भी कहते हैं वो कांग्रेस का दलाल है, लोग ये भी कहते हैं वो फलाने का दलाल है। यार अगर ऐसे दलाल समाज में इतनी बड़ी क्रांति पैदा करते, तो मैं तो कहता हूँ समाज के हर नौजवान को दलाल बन जाना चाहिए।